अ कैंडल फ्लेम तो यहाँ पे हमसे फ्लेम के कलर्स पूछ रहे हैं अब कभी कभी हल्की ब्लूइश ग्रीन फ्लेम होती है कभी कभी आपकी एकदम येलो ऑरेंज वाली फ्लेम होती है रेडिश फ्लेम्स होती हैं तो अब हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे रिकॉल एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास सेवन इफ यू डू नॉट है तो ये सारी चीजें हैं आप इन पे जला के और फिर इनके आप में उनको फॉर्म्स ऑफ फ्लेम डू नॉट फॉर्म फ्लेम जो फॉर्म करती है फ्लेम जिनमें फ्लेम क्या होती है जो ऐसे आग की वो जो लॉ होती है ना लपटे वो जो फॉर्म करती है और जो नहीं फॉर्म करती है उनके बारे में आपको बताना है अब देखिए यहाँ पे हमें फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैम्प कैंडल एंड बनसन बर्नर तो यहाँ पे ये यह आपका एक कैरोसिन लैम्प का है जिसे हम गांव में लालटेन कहते हैं उसका है फिर ये आपके कैंडल की है और फिर ये आपके बंसन बर्नर की है इसकी फ्लेम देखिए कैसी ब्लूइश ग्रीन है ठीक तो ये फ्लेम्स भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस पे अलग अलग कलर्स की होती है ओके okay. तो यहाँ पे ये टेबल आपको करनी है इट्स योर होमवर्क नाउ लेट्स स्टार्ट इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लेम का

कैंडल है ये ग्लास ट्यूब है यहाँ पे एक मैचस्टिक पकड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप वो मैचेस जो है वो जल गई ठीक है ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स ठीक है तो वही सब्सटेंसेस जो वेपराइज करते हैं जलने के टाइम पे वही फ्लेम्स देते हैं इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा आपका केरोसिन ऑयल का एग्जांपल आ जाएगा वैक्स जो पिघली हुई मोम होती है उसका एग्जाम्पल आ जाएगा राइज थ्रू दी ड्यूरिंग बर्निंग एंड क्या है, होने के लिए, जो करता, है, वही करता है आगे देखते हैं चाकोल ऑन हैंड डिज नॉट वेपराइज एंड डू नॉट फ्लेम मैंने आपको पहले भी चाकोल का एग्जांपल दिया था कंबशन में आप कंबशन वाले वीडियो जाके पूरी अच्छे से देख सकते हैं तो चाकोल फ्लेम नहीं फॉर्म करता है एक्टिविटी फोर पॉइंट फाइव कुद द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बिकॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस्ड देखते हैं देखिए when the candle flame is steady introduce a clean glass plate slide into the luminous zone of the flame hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds theek uske baad then remove it what do you observe jab yahan pe ye glass ka ek pair laaye ऐसे glass की clean slide और इन्होंने उसके आग की जो लॉ थी जो लॉ थी मोमबत्ती की इसके ऊपर रख दिया दे। थोड़ी देर बाद जैसे काला काला सा अजीब सा अगर आपने देखा हो ना कभी दिवाली के टाइम पे अब I don't know, आप काजल भी बनाती वो में ऐसे रख देते हैं और अगले दिन उससे लगाते हैं तो काजल भी इसी तरह से फॉर्म होता है जो दिए की लॉ होती है ना वो धीरे धीरे ऊपर ऐसे ब्लैकि बनाती जाती है, वो ऐसा क्रीमी सा एक हो जाता है आपको इसके लिए ग्लास लाइट की भी जरूरत नहीं है यू कैन कैंडल लाइट एट अपने कुछ भी ऐसे टोंग से पकड़ के रखी तो देर बाद उसपे ब्लैक सी लेयर जो है वो फॉर्म हो जाएगी पर वो काजल नहीं है प्लीज उसे आप आंखों में मत लगा लेक्यूलर ब्लैक ऑन दी ग्लास प्लेट लाइट दिस इंडिकेट दिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी फ्लेम। जो अनबर्न जो नहीं जले हुए कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ना वो डिपॉजिट हो जाते हैं जो फ्लेम में से निकले होते हैं आगे देखते हैं होल्ड थिंग लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इन साइड दॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द्लेम फॉर अबाउट थर्टी से इसमें कर रखा है इन्होंने ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन है यहाँ पे एक कॉपर वायर पकड़ रखा है

ये उसका इनर मोस्ट जोन है जो कि अनबर्न वैक्स वेपर्स है ठीक है जो कि ब्लैक हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद यह आपका सबसे लीस्ट हॉट सबसे कम हॉट जोन है उसके बाद आता है मिडिल जोन जो कि पार्शियल कम्बशन होता है जो कि येलो होता है फिर यह आता है आपका मॉडरेटली हॉट और फिर यह आता है hottest part, आपका हॉटेस्ट पार्ट जो कि आपका नॉन ल्यूमिनस पार्ट है और फिर यह आपको आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन इसी के ऊपर जो अनबर्न अगर आप इसी के ऊपर एक ग्लास लाइट रख दो तो यहाँ पे आपके जो अनबर्न पार्टिकल्स होंगे कार्बन के वो कलेक्ट हो जाते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं जो सुनार होते हैं गोल्डस्मिथ्स होते हैं ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इन अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर व्हाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम वो हमेशा जो आउटर मोस्ट जोन होती है ना हमने बहुत सारे जोनस पढ़े तो सिर्फ जो ये वाली जोन है उसी को यूज करते हैं टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर ऐसा क्यों होता है जो सुनार होते हैं क्योंकि क्योंकि वही वो वह आपका नॉन ल्यूमिनस जोन होता है एंड इट बर्न्स रियली वेल अब देखते हैं फ्यूल क्या है हमने हीट एनर्जी के सोर्सेस अभी पढ़े थे जैसे कि आपका वो चाकोल पेट्रोल तो ये सारे सब्सटेंसेस आपके क्या हैं ये आपके सब्सटेंसेस हैं फ्यूल्स ठीक है अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडिली अवेलेबल जो बहुत इजिली आपका अवेलेबल होता है इट इज चीप जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके खैर आजकल तो पेट्रोल अफोर्ड करना ही बहुत बड़ा एक हेडेक हो गया है बट स्टिल कंसिडर इट

एक अच्छे फ्यूल की क्वालिटी यही होती है कि वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है कुछ भी ऐसे छोड़ता नहीं है अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस में देयर इज देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल ठीक है ऐसे कोई भी फ्यूल नहीं है जिसे हम आइडियल फ्यूल मान सके वी शुड लुक फॉर द फ्यूल फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द दी परसेंट रिक्वायरमेंट्स ना आपकी कोई भी फ्यूल नहीं पूरी कर सकता है बट एटी फाइव परसेंट तो कर सकता है 85 फाइव नहीं तो एट्टी परसेंट तो करेगा तो हमें इसके लिए ध्यान देना चाहिए वी शुड नॉट बी स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन अपनी कॉस्ट में सम फ्यूल्स बनानी पड़ेगी जिसमें आप फ्यूल्स को बेसिकली कैटेगराइज कर सके अब आते हैं हम फ्यूल एफिशिएंसी पे फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है Suppose you are asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. Which fuel would you prefer? Obviously LPG. है कि नहीं? Cow dung जो आपके उपले होते हैं, फिर उसमें जलाना, चूल्हे को जलाओ, उसमें कितनी problem होती है? फिर आपका coal में भी same. LPG में क्या cylinder connected है? Knob घुमाए, lighter दबाया और आपकी flame आ गई. तो ज़्यादा convenient कौन सा हमारा? LPG है.

लोरफिक वैल्यू ऑफ अल एक्सप्रेस इन यूनिट और वो यूनिट कौन सी है किलो जूल पर के जी ये आपकी यूनिट है जिसमें हम किलोरफिक वैल्यू को डिनोट करते हैं ठीक है अब यहाँ पे नीचे हमें कुछ की किलो जूल पर के जी वैल्यू दी है काउडंग केक है और जो आपके उपले होते हैं वुड कोल पेट्रोल केरोसिन फिर आपका है डीजल मीथेन सी एनजी आपको होना चाहिए कि मीथेन भी बहुत ज्यादा हाईली कंबेटेबल है

रखी है या कुछ भी ऐसा रखा है तो आपको कभी भी सारे अपने खिड़की दरवाजे बंद करके नहीं सोना चाहिए कि रूम गर्म होगा और हम अच्छे से सोएंगे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है इट इज पॉइजनस इट कैन इवन बी प्रूवन फेटल बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि पूरी पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है क्योंकि लोग वो ऐसे तसले में अंगीठी करके और सारे कमरे के खिड़की दरवाजे बंद करके और सो गए थे सर्दियों में ठीक है इट इज अ पॉइजनस गैस इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम द कार्बन गैस प्रोड्यूसर्स कैन किल क्या है आपका बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज ए सल्फर डाइऑक्साइड इट इज एन एक्सट्रीमलीफोकेटिंग एंड करोसिव गैस मोर एवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन द जो कि एसिड रेन फॉर्म करता है ठीक है एसिड रेन इज वन ऑफ द मेजर हमारा जो इंडिया में वंडर्स में से एक वंडर है ताजमहल इट येलोइश, ओके? इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप बिल्डिंग एंड सॉइल उसके बाद आता है डीजल एंड पेट्रोल द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल इज बींग रिप्लेस